अस्सलाम वालेकुम क्लास के टू, होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर है, यूनिट नंबर 4 है हमारा पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग पढ़ी थी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 1 to 7। और ये है पेज नंबर 25 पे, तो सब अपना अपना पेज नंबर 25 ओपन कर लें, क्वेश्चंस बुक से देखें और आंसर जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो साथ साथ ही अपनी नीट कॉपीज पर लिखें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैज़, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं। ये हमने अपनी रीडिंग में रीड किए थे कि कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 होते हैं, यानी 4 मेन पार्ट्स हैं। तो आप लिखेंगे आ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, और नंबरिंग देंगे फिर नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 माउस, नंबर 4 सीपीयू। तो ये 4 जो हैं वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, आपने इनके नेम्स भी साथ लिखने हैं आंसर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, व्हाट इज अ मॉनिटर, मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर क्या होता है, जो भी हम काम मॉनिटर को करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कंप्यूटर में क्या करता है, देता है। कौन देता है उसे, मॉनिटर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आ मॉनिटर शोज द इंस्ट्रक्शंस विच वी गिव टू द कंप्यूटर। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो मॉनिटर दिखाता है अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द लेटेस्ट नेम ऑफ अ मॉनिटर, मॉनिटर का लेटेस्ट नेम कौन सा है जो आजकल हर हम मॉनिटर्स के लिए यूज करते हैं। द लेटेस्ट नेम ऑफ अ मॉनिटर इज LCD। तो आजकल जो मॉनिटर्स हैं जो यूज कर रहे हैं हम, बहुत स्लिम और जो आपकी लैब्स में भी यूज होते हैं, अक्सर के घरों पर भी हैं, तो उन मॉनिटर्स को हम आजकल क्या बोल रहे हैं, LCD, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसे आप अपने अपनी नीट कॉपीज पर साथ साथ ही लिख लेना, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉनिटर, मॉनिटर का फंक्शन क्या है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि मॉनिटर क्या है, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन जो है वो शो करता है उसे इंस्ट्रक्शंस को। अब वो पूछ रहा है कि मॉनिटर का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो एक फंक्शन इसका ये है कि जो भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसे हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, ठीक है, जो काम हमने कंप्यूटर को करने के लिए बोला वो इनपुट है। अब वो काम जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन पर जब शो होता है प्रोसेस होने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजल्ट, तो जो हमें मिल रहा होता है। तो इसका मतलब है ये मॉनिटर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, आ मॉनिटर शोज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ आ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो भी प्रोसेसिंग होती है उसका रिजल्ट जो है वो मॉनिटर हमें दिखाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट CPU स्टैंड्स फॉर, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमने 1 क्लास में भी रीड किया था और हमने चैप्टर में भी ये रीड किया था कि C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट। तो CPU को पूरा हम किस तरह एब्रीवेट करेंगे, स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, इसीलिए हम उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे। जो भी काम कंप्यूटर करता है वो सबसे पहले CPU के पास जाता है, इसीलिए वो प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है, इसके ऊपर बटन्स होते हैं और उन बटन्स को हम क्या बोलते हैं, कीज। अ कीबोर्ड लुक्स लाइक टाइपराइटर, अ कीबोर्ड हैज मैनी स्मॉल बटन्स, दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज। तो ये आपका आंसर है कि कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है और कीबोर्ड पे बहुत सारे स्मॉल बटन्स हैं और उन बटन्स को हम कीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
वट इज द फंक्शन ऑफ माउस, माउस का क्या फंक्शन है? आपको पता है माउस कोई भी चीज जो हमने कंप्यूटर में ओपन करनी है या कंप्यूटर को बताना है कि ये वाली जो फाइल है ये ओपन करें या जो भी करें काम, तो वो हम माउस को यूज करते हुए करते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हम कीबोर्ड को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शंस देते थे कंप्यूटर को, इसी तरह हम माउस को यूज करते हुए भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है? अ माउस इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, ठीक है। माउस भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के, यूनिट नंबर 4 के पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था, ठीक है। आपने ये सारे क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपीज पर अच्छी तरह से लिख लेने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद रहें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।